नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। जिस तरीके से पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में बिहार की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था, उस पर से अब पर्दा उठ गया है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए एडीजी मुख्यालय में कुंदन कृष्णन ने क्या कुछ कहा है, जरा पहले सुनिएगा। भीषण डकैती की घटना घटी थी भगवानपुर थाना अंतर्गत मुजफ्फरपुर में, जिसमें बताया जाता है कि करीब 30 किलो आभूषण मुथूत फाइनेंस के ऑफिस से लूटी गई, इसके अलावा लगभग 2 लाख रुपए कैश। बिहार की अब तक सबसे ज्यादा माल लूटने वाली घटना थी। 30 किलो सोना काफी होती है, इसलिए विशेष टीम लगाया गया था और मुजफ्फरपुर एसटीएफ एडीजी सीआईडी की अलग अलग टीम कार्य थी। मुजफ्फरपुर जिला की टीम काफी अच्छा कार्रवाई की है। एसपी साहब ने जो एसआईटी गठन किया था, जिसमें एडिशनल एसपी अभियान, वहाँ के दोनों डीएसपी या कई थाना प्रभारी थे, उन्होंने इस कांड का उद्भेदन भी किया है। 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार भी हुए हैं और करीब 26.5 किलो सोना बरामद भी कर ली गई है। अभी और छापेमारी चल ही रही है। इसमें पहला ब्रेक थ्रू हुआ जब सुभाष कुमार झा, जो दल सिंह सराय शाहपुर परारा का रहने वाला, वो गिरफ्तार हुआ। उसके बयान से 1.5 किलो आभूषण समस्तीपुर जिला से बरामद हुआ। आपने सुना, 30 किलो सोना आखिरकार बिहार में बरामद कर लिया गया है। और इतनी बड़ी लूट के बाद कहीं ना कहीं पुलिस महकमा जो था वो जल्द ही एक्शन में आ गया और जल्द कार्रवाई की जाने लगी। किस तरीके से जितने भी डीएसपी हैं, एसपी हैं, उन सभी को दिशा निर्देश दिया गया एडीजी मुख्यालय द्वारा, और जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हुए मुथूट फाइनेंस से जो लूट की घटना सामने निकल कर आई थी, उस अपराधियों को अब गिरफ्त में ले लिया गया है। और ये बड़ा खुलासा हुआ आज बिहार में। जिस तरीके से लगातार लूट और क्राइम का जो सिलसिला है वो चल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस महकमा अब इसको लेकर अलर्ट पर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जहां एक तरफ हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन सभी आपराधिक चीज़ों पर लगाम लगाने की भी कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से सोने की लूट हुई थी, सोने की बारिश हुई थी, उस तरीके से उम्मीद है आगे समय बीतते बीतते ऐसी घटनाएं फिर ना हो बिहार में। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद।